मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बुधवार को कर्नाटक में बजरंग दल पर कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा व छत्तीसगढ़ में जरूरत पड़ने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने संबंधी दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बजरंग दल के बारे में शायद भूपेश जी को जानकारी नहीं है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इन बिंदुओं को लेकर धर्मांतरण का विरोध करने वाला और समाज में जहां कहीं भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होने वाला संगठन है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में तुष्टिकरण की राजनीति को प्रशय देने के लिए इस प्रकार का बयान दिए हैं। बजरंग बली की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। बजरंग दल के बारे में भूपेश जी को शायद जानकारी नहीं है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इन बिंदुओं को लेकर धर्मांतरण का विरोध करने वाला और समाज में जहाँ कहीं भी अन्याय होता है खड़े होने वाला संगठन है। ये राम भक्त और बजरंग बली के भक्त हैं। जहाँ तक सवाल है कर्नाटक में बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं रही है तो प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रह गया भूपेश बघेल की बात, ये छत्तीसगढ़ में तुष्टिकरण की राजनीति को प्रशय देने के लिए इस प्रकार का बयान दिए हैं। बजरंग बली की शक्ति का आकलन कम नहीं आंकना चाहिए। रावण ने बजरंग बली की को चुनौती दी थी, सोने की लंका जला के साफ कर दिया बजरंग बली ने। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे इस प्रकार के तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध करती है। सर, उन्होंने एक और एक बात कही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो फेंकने में काफी माहिर हैं, जो चीज पाकिस्तान की होती है वो भारत का बता देते हैं, और बजरंग बली के नाम पे भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, ऐसा उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के बारे में उनकी जो सोच है वो ही उनकी समझ के बाहर है। बजरंग दल को वो जानते हैं और ये कांग्रेस की तुष्टिकरण की मानसिकता है, ये उनकी सोच है, इस प्रकार के बयान देते हैं। सर, पीएफआई को और बजरंग दल को एक ही साथ रखा गया, एक ही पेज में। आपने कहा कांग्रेस कर्नाटका में आएगी नहीं तो बैन करने का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली भी कांग्रेस का ये कहना है कि दोनों ही हेट्रेड फैलाते हैं और इसलिए दोनों को बैन करने की कोशिश की जाएगी आगे। ये तुलना करना ही सरासर गलत है। कहां पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र विरोधी कामों में लगा था और दूसरी तरफ कहां राष्ट्रभक्तों की टोली जो संस्कार से युक्त है और सुरक्षा के लिए काम करते। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जब किसी संगठन को बैन लगाने की बात जब करते हैं तो उन संगठन में प्रक्रिया होती है और इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं।